सुदामा जी ने अकेले ही चने क्यों खाए थे, इसके चलते बहुत कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन संक्षिप्त कथा यह है कि चने की पोटली चोरों ने एक निर्धन और भूखी ब्राह्मणी से चुराई थी। चोरों को एक पोटली बंधी मिली, उन्हें लगा वह सिक्कों से भरी पोटली है, लेकिन उसमें तो भिक्षा में मिले चने थे। कुटिया में हो रहे आवाज से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कुछ लोग उस कुटिया में घुस आए हैं। पकड़े जाने के डर से वे सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में आ छिपे, जहां चने की पोटली चोरों से गिर गई। वहीं दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी। भूखे पेट उसने यह श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने चखे वह भी दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता जब आश्रम की साफ सफाई कर रही थी तब उन्होंने वह चने की पोटली गिरी हुई देखी। वन में जाते हुए भगवान कृष्ण और सुदामा को वही चने की पोटली दे दी ताकि जब भूख लगे तो वे ये खा लें। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली अपने हाथ में ली वह समझ गए कि चनों के साथ श्राप जुड़ा है, इसलिए उन्होंने ये चने अकेले ही खाए तथा दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने सिर ले लिया।